दूसरा पड़ाव बात चुनावी हलचल की शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। तो बीजेपी ने जब से चुनाव अभियान शुरू किया है तब से वो 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस समय जब 6 चरणों का चुनाव हो चुका है 300 से 310 के आसपास है। तो संजीव जी, अब जबकि सिर्फ 1 चरण का चुनाव बचा है तो क्या बीजेपी ने मान लिया कि 400 नहीं आ रही? देखिए, मेरे ख्याल से ये वैसे प्रेक्षकों को तो शुरू से अंदाजा था कि ये एक नारा है और ये एक अपने काडर को एंथ्यूज करने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि हम निश्चित जीत रहे हैं, अब की बार 400 पार और बीजेपी की सीट 370 पार। तो तरह तरह की जो युक्तियां लगाई गई थी, तुलना की गई थी आर्टिकल 370 से बीजेपी की 370 और 400 पार। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा कुछ तो बीजेपी में भी रियलिज्म सेट इन हुआ और अब उसको वो एक तरह का मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जैसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उनका कि हमने 400 पार तो इसलिए कहा था, जैसे प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन शो में कहा कि हमने तो 400 पार कहा था, विपक्ष उसमें उलझ गया और कहने लग गया कि हम इनको 400 के पार नहीं जाने देंगे, जबकि असली लक्ष्य तो कोई और है। वो बोले नहीं लेकिन शायद इशारा यही था कि असली चीज तो 272 है बहुमत के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस बीजेपी लीडरशिप ने कि नहीं 400 तो बहुत, दिल्ली बहुत दूर है और उसके तो आसपास भी नहीं फटक रही पार्टी, चुनाव काफी कांटे का हो गया, तो अब उसको वर्च्यू बना रहे हैं कि हमारा कोई कहता मास्टर स्ट्रोक है। और अब जैसे आज आपने अमित शाह के बयान का उल्लेख किया तो 300 से 310 के बीच में 58 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, तो उसमें से कितनी लाएंगे? तो पिछली बार भी 350 के आसपास आंकड़ा था एनडीए का, तो इस बार भी अगर 300 से 310 के बीच में अब है और 80% सीट लाते हैं आखिरी फेज में तो 340-350 के आंकड़े को टच करेंगे। तो जो एक लगातार चर्चा चल रही है मोहनलाल जी कि असली चुनाव 272 का है, असली लोगों का ध्यान इस बात पे है कि चूंकि ये चुनाव 2014 और 19 के मुकाबले ज्यादा कठिन और जटिल लग रहा है, क्या 2019 का आंकड़ा बीजेपी और एनडीए छू पाते हैं? अगर छू पाते हैं तो बढ़िया, नहीं छू पाते हैं तो फिर कितने से मिस करते हैं, उस पे है सारा सबका ध्यान। मतलब अपने आप को इन्होंने रेक्टिफाई कर लिया है। हाँ, मतलब थोड़े कदम पीछे खींचे और उसको इस तरह से पीछे खींच रहे हैं कि पीछे खींचने की तरह नहीं देखिया उसको, हमारी एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव की तरह देखिए कि पहले हम ये कह रहे थे अब ये कह रहे। संजीव जी, अभी हाल फिलहाल एक थ्योरी बहुत पॉपुलर हो गई है, वो है कि परमात्मा की थ्योरी। आज परमात्मा की थ्योरी पर पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। एक इंटरव्यू में पूछा, नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ, उनका काम करने आया हूँ। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। तो ये जो परमात्मा वाली थ्योरी है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी उनके समर्थकों के लिए जो उनको बहुत मानते हैं उनके लिए बहुत बड़े, वो एक पहले बहुत बड़ा उनका एक आकार हो गया है, छवि हो गई है, इमेज हो गई है, और कई लोग तो उनको मतलब एक दो तो मंत्री भी बन गए हैं, उनके भगवान की तरह मानते हैं और बिल्कुल देवतुल्य मानते हैं कि भाई ये तो भारत की सेवा करने के लिए आए हैं। और अब मोदी जी ने भी पिछले हफ्ते भर से ये शायद दूसरी या तीसरी मरतबा ये कहा है, उन्होंने अपने आप को भगवान तुल्य तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने कहा शायद भगवान ने मुझे राष्ट्र की सेवा करने और यही काम करने के लिए भेजा है, विकसित भारत 2047 तक वगैरह वगैरह। तो इसके अपने नफा नुकसान इसके भी है, बीजेपी के विरोधियों को एक तंज करने का और व्यंग करने का अवसर देता है और बीजेपी समर्थकों को एक बार और पुरजोर तरीके से मोदी जी के पीछे खड़े होने का एक और कारण देता है कि देखिए इसमें तो न सिर्फ व्यक्तिशय वो इतना कर रहे हैं बल्कि भगवान के भेजे हुए दूत भी हैं, तो इनका तो हमको सपोर्ट करना ही है। आज मोदी जी ने शेयरों के भाव भी बताने शुरू किए, उन्होंने कहा कि 10 रुपए का शेयर आप खरीदेंगे क्या? विपक्ष पर तंज है ये। मैं देख रहा हूँ कि पहली बार 2024 के चुनाव में शेयर बाजार की भी एक भूमिका रही है। एक तो शेयर बाजार जिस तरह से अडिग खड़ा हुआ है, गिरता नहीं है और बीच बीच में बढ़ जाता है, उससे लोगों में बड़ी बात है कि भाई प्रेक्षक तो इसको क्लोज चुनाव बता रहे हैं, कांटे का मुकाबला बताते हैं, लेकिन शेयर बाजार तो या तो बढ़ रहा है या चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, तो मतलब कि फिर क्या माजरा है। और दूसरा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले अमित शाह जी ने भी थोड़े दिन पहले कहा था, शायद मोदी जी ने भी कुछ जिक्र किया था इस तरह की बात का कि भाई शेयर खरीद लो 4 जून के बाद तो बहुत बढ़ने वाले हैं,
और फिर आज 10 रुपए का शेयर में उनका विपक्ष की तरफ इशारा है कि अरे भाई सस्ती चीज की तरफ क्यों जाते हो या कम उपयुक्त चीज की तरफ क्यों जाते हो। तो मतलब इशारा वो कोई शेयर बाजार से तुलना करते हुए कि बीजेपी के साथ रहो सुख पाओगे, बड़ी तरक्की होगी और डेवलपमेंट होगी।